गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सभी लोग जो है लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिस, ये लास्ट टॉपिक है आपका प्रोटो जोआ का एनिमल है, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो मोनोसिस्टिस है, ये पहले तो मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब ये कि इसकी लाइफ साइकिल केवल एक ही होस्ट में कम्प्लीट होती है, ठीक है। और इसका जो होस्ट होता है वो अर्थवॉर्म होता है। तो मैंने लिखा भी है कि मोनोसिस्टिस मोनोजेनेटिक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल जिनकी लाइफ साइकिल केवल एक ही एनिमल में कंप्लीट होती है, उसको मोनोजेनेटिक्स कहते हैं। और मोनोसिस्टिस लाइफ साइकिल कंप्लीट इन अर्थवॉर्म, ठीक है। और इनकी लाइफ जो साइकिल है वो अर्थवॉर्म में कंप्लीट होती है। दूसरा, इनकी लाइफ साइकिल में, मोनोसिस्टिस के लाइफ साइकिल में ऑल द स्टेज आर हैप्लॉइड्स, ठीक है। जितनी भी स्टेज आती हैं सब के सब हैप्लॉइड होती हैं, एक्सेप्ट किसके, जाइगोट। एक जाइगोट ही है जो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। उसके आगे अब यहाँ पे हमने इनके जो लाइफ साइकिल है इसमें दो जो है, या कह सकते हैं कि तीन स्टेजेस होती है। तीसरा यहाँ पे ट्रांस लिख बता देते हैं। पहला गैमेटोगोनी, दूसरा स्पोरोगोनी और तीसरा ट्रांसफ़र होता है। क्या होगा? ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र। तो मेनली हम लोग यही स्टडी करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक। तो तीन स्टेजेस इनके लाइफ साइकिल में आती हैं, गैमेटोगोनी, स्पोरोगोनी और आपका तीसरा है आपका ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका कैसे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। अब ये देखिए, ये आपका मैच्योर प्रोफोजॉइट, जो एडल्ट फॉर्म होता है उनको हम लोग प्रोफोजॉइट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका गैमेटोगोनी होता है, गैमेटोगोनी तीन स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला को सिजगी, दूसरा गैमेटोगोनी और तीसरा सिनगैमी। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्योंकि इसके एडल्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मैच्योर ट्रोफोजाइट्स कहते हैं। जो मैच्योर ट्रोफोजाइट्स होता है, जब लाइफ साइकिल, यहाँ पे लाइफ साइकिल भी लिखते थे, लाइफ साइकिल, ठीक है। जब इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है, और लाइफ साइकिल में भी आपकी गैमेटोगोनी स्टेज जब स्टार्ट होती है तो उसका पहला स्टेज होता है सिजगी। सिजगी में क्या होता है कि जो आफ्टर द फीडिंग होने के बाद ये मैच्योर फॉर्म में आ जाता है, तो ये धीरे धीरे अपने शेप को क्या करता है, ये राउंड करने लगता है, ठीक है। राउंड करने के बाद और यहाँ पर दो जो गैमी जो ट्रोफोजाइट्स होते हैं वो वापस में आ जाते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग गैमेटोसिस्ट बोलते हैं, गैमेटोसाइट्स बोलते हैं या गैमोंट बोलते हैं। ये अपने धीरे धीरे फॉर्म को सर्कुलर फॉर्म में लेने लगते हैं, ठीक। उसके बाद ये जो गैमेटोसिस्ट होते हैं, साइट्स होते हैं, ये अपने चारों तरफ एक, तो जो गैमेटोसाइट्स होते हैं या इसको गैमोंट भी कहते हैं, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, ठीक है। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये गैमोंट या गैमेटोसिस्ट साइट्स जो होते हैं, ये एक अपने चारों तरफ एक सिस्ट का क्या कहते हैं, एक सिक्रीशन करते हैं और एक सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको गैमेटोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। गैमेटोसाइट्स अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको गैमेटोसाइट्स कहते हैं। ये सिस्ट जो होती है टू लेयर की होती है। जो आउटर लेयर होती है इसको एक्टोसिस्ट कहते हैं, जो थिक भी होती है और रिजिड होती है। और जो अंदर वाली होती है इसको इंडोसाइट्स कहते हैं, ये थिन होती है, ठीक है। इसके बाद जो ये जो आपको गैमेटो सिस्ट होते हैं, साइट्स होते हैं, वो गैमेटोसाइट्स क्या करते हैं कि ये अपने आप को, ये न्यूक्लियर जो होते हैं इनके, ये अपने आप को बिल्कुल ओवल शेप का कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद, ठीक, उसके बाद इनमें न्यूक्लियर मतलब डिवीज़न होता है, वो भी माइटोसिस डिवीज़न होता है। न्यूक्लियर डिवीज़न में भी माइटोसिस डिवीज़न होता है, और माइटोसिस डिवीज़न होने से बहुत सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें कुछ न्यूक्लियस जो है पेरीफेरल की तरफ आ जाते हैं और कुछ न्यूक्लियस जो है सेंटर पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक। कुछ पेरिफेरल की तरफ चले जाते हैं और कुछ आपके सेंटर पे रहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बिहेव करते हैं, ये गैमेट की जैसा
बिहेव करते हैं, इनको डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। धीरे धीरे ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या करते हैं, अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म को एक्यूमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेट करने की इस प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं, ठीक है। और इसमें कहते हैं उसके बाद ये गैमिट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक। और ये जो गैमिट्स होते हैं आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं, देखिए पेयरिंग बना लेते हैं, गैमिट्स पेयरिंग, गैमिट्स पेयरिंग की प्रोसेस को सिनगेमी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डॉटर जो होती है गैमिटोसिस जो होते हैं वो अब डिवीज़न करके बहुत सारे न्यूक्लियर बना देते हैं और ये गैमिट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये गैमिट जो होते हैं आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, इसी को हम लोग सिनगेमी प्रोसेस कहते हैं। और इस सिनगेमी प्रोसेस के एंड में रिजल्ट में हमको क्या मिलता है, जाइगोट मिलता है, ठीक है। तो ये आपका आपका क्या है, गैमिटोसिस्ट है, गैमिटोसिस्ट के अंदर आपके जाइगोट है। ये सारी की सारी जो थी वो हैप्लॉइड थी, यहाँ पे जो जाइगोट बना एक यही जो है डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। ये जाइगोट क्या होता है, ठीक है, जाइगोट अपने जो स्ट्रक्चर जो होता है ये थोड़ा सा चेंज करता है, ठीक। और ये चेंज करने के बाद इसको हम लोग स्पोरोब्लास्ट, अब यहाँ पे थोड़ा सा आकर के हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि जाइगोट जो होता है वो चेंज हो जाता है स्पोरोब्लास्ट में, ठीक है। वो अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज करता है, इसको हम लोग स्पोरोब्लास्ट कहते हैं। ये स्पोरोब्लास्ट सिक्रीट करता है क्या, एक सिस्ट अपने बॉडी के चारों तरफ, जो जाइगोट है अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्पोरोसिस्ट कहते हैं या जाइगोसिस्ट। ये देखिए यहाँ पे ये जाइगोट स्पोरोसिस्ट अपने बॉडी के चारों तरफ स्पोर रहते हैं, और स्पोरोसिस्ट अपने बॉडी जो स्पोर जो जाइगोट होता है अपने बॉडी के चारों तरफ एक सिस्ट बनाता है, इसको जाइगोसिस्ट या स्पोरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पोरोसिस्ट होते हैं ये बाई कोनिकल शेप के होते हैं, ठीक है। ये देखिए बाई दो कोन लाइक स्टेज का बाई कोनिकल शेप कहते हैं। यहाँ पे पूरा फुल स्ट्रक्चर है आपका स्पोरो क्या बोलते हैं जॉइंट्स का, ठीक, या स्पोर का कह लीजिए, ठीक है। देखिए इसके अंदर जो है डेवलपिंग स्पोरो जॉइंट्स हैं, और इनका जो शेप होता है यहाँ पे भी देखिए हमने लिख रखा है कि रिजेंबल लाइक बोट, ये बोट के जैसे दिखाई देते हैं, और या ओ आर आर डाइटम ऑफ द जीनस नेविसेला, ये जो डाइटम होते हैं जीनस एक है नेविसेला उसके डाइटम के जैसे फील दिखाई देते हैं, रिजेंबल होते हैं, इस वजह से इस स्टेज को स्यूडो नेविसेला भी कहते हैं, ठीक है, इस वाले स्टेज को। अब यहाँ के बाद ठीक है आप देखेंगे कि अंडर थ्री न्यूक्लियर डिवीज़न, यहाँ से थ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न मैंने लिख दिया, ठीक है, न्यूक्लियर डिवीज़न होता है। और एट जो होता है सिकल सेप्ड हैप्लॉयड स्पोरोजॉइट्स आर फॉर, अब इसके अंदर जो आठ जो होते हैं हैप्लॉयड स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एट सिकल सेप्ड हैप्लॉयड स्पोरोजॉइट्स आर फॉर्म, अब ये स्पोरोजॉइट जब बन जाते हैं तो ये स्पोरोजॉइट, ठीक है, के अंदर जिसके अंदर होते हैं इसको हम लोग स्पोरोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये स्पोरोसिस्ट जो होता है वो क्या होता है, स्पोर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, आपका स्पोर जो स्पोरोसिस्ट होता है ब्रेक हो जाता है, और जो स्पोरोजॉइट होते हैं वो बाहर की तरफ लिवरेट हो जाते हैं। जब स्पोरोजॉइट हो जाते हैं तब इनका आता है कि फिर ये स्पोरोजॉइट का ट्रांसफ़र कैसे होता है अदर आपके कहते थे अर्थवॉर्म में, तो इसके काफ़ी मेथड है। जैसे ड्यूरिंग कॉपुलेशन, अगर इन्फेक्टेड कोई अर्थवॉर्म है तो कॉपुलेशन के थ्रू, ठीक है, वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या कभी इनकी डेथ हो गई, डेथ होने की वजह से ये सॉइल में मिल जाते हैं, और सॉइल में मिल जाने के बाद इस मोनोसिस्टिस को या स्पोरोजॉइट्स को क्या होते हैं अदर जो अनइन्फेक्टेड या फ्रेश जो अर्थवॉर्म होते हैं उसको फीड करते हैं, उनके बॉडी में चले जाते हैं, या बर्ड्स के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसके थ्रू भी इनका ट्रांसफ़र जो होता है इन्फेक्टेड अर्थवॉर्म से अनइन्फेक्टेड अर्थवॉर्म तक हो जाता है। जब ये अर्थवॉर्म के अंदर किसी अनइन्फेक्टेड या फ्रेश अर्थवॉर्म के अंदर एंट्री करते हैं तो स्पोरोजॉइट इंटर वन सेल, फिर एक सेल में जाते हैं, फिर वहाँ पे ये ग्रो करते हैं अपने साइज को, ग्रो करने के बाद ये एस्केप इनटू द सेमिनल वेसिकल, और फिर ये अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल की तरफ एस्केप करते हैं। जब ये सेमिनल वेसिकल की तरफ एस्केप करते हैं या जाते हैं तो ईच स्पोरोजॉइट्स इंटर स्पर्म मोरूला, और प्रत्येक जो स्पोरोजॉइट्स होता है वो मोरूला में जो
स्पोरोजोआ जो होता है, जो अर्थवर्म का स्पर्म मोरूला होता है उससे जा करके ये अटैच हो जाता है। और जैसे ही ऐसे अटैच होता है स्पोरोजोआइट फीड एंड ग्रो इनटू, फिर ये स्पोरोजोआइट क्या होता है, फीड करता है, फिर ग्रो करता है, फिर ये न्यू स्पोरोजोआइट या यंग स्पोरोजोआइट का फॉर्मेशन का। देखिए इसके चारों तरफ ये जो है स्पर्म की टेल लगी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा ऑल ओवर लाइफ साइकिल रहा आपका स्पोरो सॉरी मोनोसिस्टिस का। अब इसके बाद फिर हम सभी लोग आगे की जो भी फाइलम होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए। थैंक यू।